बाबा थाना प्रभारी के घर हुई लगभग 20 लाख रुपए की चोरी। थाना प्रभारी पेशे पर गए थे छिंदवाड़ा। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की रात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवनी मालवा के थाना प्रभारी अजय तिवारी की, जो शुक्रवार की शाम कार से छिंदवाड़ा के लिए निकले, क्योंकि शनिवार को छिंदवाड़ा कोर्ट में पेशी होनी थी। शनिवार की रात जैसे ही वह थाना परिसर में बने सरकारी बंगले पर पहुंची और घर का ताला खोलकर देखा तो पता लगा कि लगभग 10 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए के सोने के जेवरात पर चोरी ने हाथ साफ कर दिया है, जिसकी सूचना उन्होंने आला अधिकारी को दी। यहां आश्चर्य की बात है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस वालों के ही घर सुरक्षित नहीं है। कल जो थाना प्रभारी की चोरी हुई है, क्या मामला है और क्या अभी कार्रवाई हो रही है? परसों के दिन रात में साहब छिंदवाड़ा पेशी गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था, और इस बीच में कल वापस आए जब रात में पता चला कि कोई अज्ञात चोर ने चोरी कर ली है। मैडम वगैरह आई उनके यहाँ, मैडम मैंने पता किया तो उसमें पापा के प्रेशर वगैरह को उन्होंने पेशे रखे हुए थे, तो उसमें करीबन 17-18 लाख रुपये और जेवर है सोने के जेवर मैडम के और उनके मम्मी के, वो करीबन है 27-28 तोला सोना है जेवर। कोई अज्ञात चोर पीछे के दरवाजे से खोलकर अलमारी खोलकर ले गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।